जी, तो कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया और उसके नीचे फ्लेम ऑन कर दी है। और अब इसके अंदर मैं 1 kg मिल्क डालूंगी, यानी कि 1 किलो दूध। तो ये सारा आपने डाल देना है। तो दूध को आपने जो है उबालना है, यानी कि बॉइल्ड करना है। तो मैं इसको उबालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ चुका है। तो जैसे ही इस तरह से उबाल आ जाए तो आपने बिल्कुल फ्लेम को लो कर देना है और इस तरह से इसे ज़रा हिला देना है ताकि दूध दोबारा से नीचे आ जाए। देखिए अच्छे तरीके से दूध जो है उबल चुका है। अब आपने इसके अंदर चीनी डालनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने चीनी 10 टेबल स्पून ली है, यानी कि आधा कप और 2 टेबल स्पून। आधा कप 8 खाने के चम्मच के बराबर होता है। मेजरिंग कप्स का आपने इस्तेमाल करना है। 10 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट है इस कस्टर्ड के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इतनी इसमें डालूँगी। तो ये चीनी इसके अंदर डाल देंगे। चीनी डालते ही जो है आपने इसे अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर देना है और फ्लेम को दोबारा से यहाँ पर मीडियम कर देना है। हमने दूध उबालने के बाद लो की थी ना, आप दोबारा से इसे मीडियम कर देंगे। और ये देखिए चीनी डालने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करते रहना ताकि चीनी जल्दी अच्छे से हल हो जाए, क्योंकि दूध गर्म है तो चीनी जो है बहुत अच्छे से जल्दी हल हो जाएगी। तो बस इसे 1 मिनट ही लगेगा चीनी को इसमें मिक्स होने में। तो बस आपने इस तरह से इसे मिक्स करना है। तो देखिए चीनी इसके अंदर अच्छे तरीके से हल हो चुकी है। अब जो है हम कस्टर्ड वाला जो मिक्सचर है ना वो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने एक बोल में दूध लिया, जो मैंने स्टार्ट में 1 किलो दूध डाला था ना सॉस पैन में से, उस सॉस पैन में जो मैंने मतलब दूध डाला था ये वाला, इसमें से मैंने पहले ही इतना दूध निकाल लिया था 1/4 कप के करीब, यानी कि 4 खाने के चम्मच। तो इस दूध के अंदर हम ये जो कस्टर्ड पाउडर जो है वनीला कस्टर्ड पाउडर, ये 1/4 कप जाएगा 4 खाने के चम्मच, और 1 चम्मच मैं और बाद में डालूंगी। ठीक है, तकरीबन 5 खाने के चम्मच इसमें कस्टर्ड पाउडर जाएगा। मैं रफान का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो ये डालने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इतने अच्छे से इनको मिक्स करना है दूध और ये जो कस्टर्ड है, ताकि इसमें जो है कोई भी गुटली ना रहे, लम्ब्स ना रहे। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह का होना चाहिए स्मूथ सा मिक्सचर। तो ये हमारा कस्टर्ड वाला मिक्सचर भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखें इसके अंदर चीनी भी अच्छे तरीके से हल होगी और जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर है ये भी तैयार है। तो अब आपने क्या करना है, इतना थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर डालना है और इसे साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है। आपने चम्मच हिलाना बंद नहीं करना, साथ साथ इसे डालते जाना है। ठीक है, इस तरह से ये देखें। और अगर आप चम्मच हिलाना बंद कर देंगे और इसे मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी और हमारा कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डाला और इसे मिक्स किया इस तरह से। ठीक है, कस्टर्ड ऐसे ही बनता है। सारा मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी भी आपने इसे मिक्स करना बंद नहीं करना वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पर अब इसे मज़ीद 1 मिनट पकाएंगे ताकि जो है इसमें जो कस्टर्ड का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो मैं इसे पकाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्लेम इतनी होनी चाहिए कि कस्टर्ड इस तरह से पके। ये देख सकते हैं आप लोग कितना थिक हो गया है। इसी तरह आपने पूरे 1 मिनट के लिए पकाना है इसे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको कस्टर्ड की बताई है ना उतनी डाली, क्योंकि हमें इस टाइप का थिक कस्टर्ड चाहिए। अगर ऐसा थिक कस्टर्ड नहीं होगा तो फिर हमारा कस्टर्ड अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, अभी ये मज़ीद थिक होगा। अभी इसे मज़ीद हम जो है ठंडा करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। आप लोग देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, किसी भी खुले बर्तन में ये सारा कस्टर्ड निकालना है, कोई बड़ा सा बाउल लेके, और उसमें इसको जो है ठंडा होने के लिए रख देना है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा मतलब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना ताकि ये फुल ठंडा हो जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको इसी तरह ठंडा करूँगी और फिर उसके बाद 4 से 5 घंटों बाद मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरे 4 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं इसमें से बिल्कुल धुआं नहीं निकल रहा, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा आपने बाउल लेना है कि इतना जल्दी ठंडा हो जाए। देखिए इतना बड़ा मैंने बाउल लिया है तो इसलिए जल्दी ठंडा हो गया। अब इस कस्टर्ड का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है क्रीम, जिससे कस्टर्ड क्रीमी होगा। यहाँ पे मैंने ओलपर्स की 300 ml क्रीम ली है, मतलब एक 200 ml वाला डब्बा होता है ना, तो मैंने 300 ml क्रीम ली है ओलपर्स की। फुल ठंडी है कि ये देख सकते हैं आप लोग, ये बर्फ़ नहीं जमी हुई, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये आपने सारी इसके अंदर डाल देनी है। तो ये मैं सारी इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह से। फुल ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं लेनी। ठीक है, और 1 किलो के हिसाब से इसमें 300 ml ही ओलपर्स की क्रीम जाएगी। तो ये सारी क्रीम इसके अंदर अच्छे से डाल देंगे। आप कोई सी भी टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर सकते हैं, विपिंग क्रीम यूज़ नहीं होगी, जो सिंपल डेरी क्रीम होती है ना ये वो है। तो अब आपने क्या करना है, इसको बस अच्छे तरीके से ये जो बीटर होता है ना इसे मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है।
इतने अच्छे से कि क्रीम जो नज़र आ रही है ना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए कस्टर्ड में। तो देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, इस तरह की क्रीमी सी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। इसका कलर आपको बहुत लाइट लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़रा ज़्यादा है, वैसे इसका कलर अच्छा है, डार्क है, ठीक है। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ फ्रूट्स डालना चाह रही हूँ, वरना ये रेडी है अगर आप सिंपल खाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं सेम वैसा ये लग रहा है जैसा मार्केट से आप लोग क्रीमी कस्टर्ड लाते हैं। अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालेंगे, तो अब इसके अंदर हम फ्रूट्स डालेंगे। फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिया है एक अदद मैंने सेब लिया यानी 1 एप्पल लिया, उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया, और 2 अदद मैंने यहाँ पे केले लिए उसको इस तरह से मैंने गोलाई में कट कर लिया, आधा मैंने अनार लिया उसके अनार उसमें से निकाल लिए, और 15 से 20 यहाँ पे बादाम लिए थे इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया और इसका छिलका उतार लिया। तो ये सब मैं इसके अंदर फ्रूट्स डाल रही हूँ, आप अपनी चॉइस के भी इसमें डाल सकते हैं, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, जो आपको फ्रूट पसंद है। तो मैं ये सब फ्रूट इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये ले जी, कितना ज़बरदस्त सा फ्रूट कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। जैसा आप लोग बाज़ार से लाते हैं वह आप लोग आसानी से वैसा घर में बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कस्टर्ड अब तैयार हो चुका है, अब आपने इसे सर्विंग बाउल में डाल देना है जिसमें आपने इसको सर्व करना है। तो उसके अंदर डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, तो जिस बाउल में आपने सर्व करना है उसके अंदर सारा कस्टर्ड डाल देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा कस्टर्ड तैयार हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए सारा कस्टर्ड मैंने इसमें डाल दिया है, अब जो है इसके ऊपर थोड़ी सी हम ये डाल देंगे अनार और जो एप्पल्स हैं, आप जैसी भी डेकोरेशन करना चाहिए आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है, अब आप लोग भी आसानी से घर पर बना सकते हैं, इस तरह से इसे थोड़ा सा डेकोर कर देंगे। ये देखिए जी, तो आप लोग अब इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त हमने कस्टर्ड तैयार कर लिया 5 मिनट में। तो अब इसको आपने फुल ठंडा करके सर्व करना है, फिर ही इसका टेस्ट वैसा लगेगा जैसा आप मार्केट से लाते हैं कस्टर्ड। तो अब मैं आपको यहाँ पे ज़रा दिखा देती हूँ निकाल के, ये देखें अंदर से कितना क्रीमी है, और अब इसे हम टेस्ट करेंगे। ये देखें सेम वैसी इसकी कंसिस्टेंसी जैसी आप रेस्टोरेंट में मिलती है ना, सेम वैसी ये आप लोग देख सकते हैं, चेक करें। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बना है, सेम वैसा ही क्रीमी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।